अब ठीक है। परिवार का दुश्मन चाहे जो भी हो, मैं उसके अगले वार होने से पहले मुझे उसका असली चेहरा सबके सामने लाना होगा। और जब तक वो अनजान है, तब तक घर में कोई सुरक्षित ना है, खासकर वेदिका जी। जाओ देख के ना कोई भी ये नहीं कह सकता कि तुमने एक एक्टिव बॉम्ब को उसके आखिरी सेकंड में उठा के खिड़की से बाहर फेंक के सबकी जान बचाई, और यहाँ एक परछाई देख के डर के हमारे चीख निकल गई। ऐसे कौन मिलने आता है, वो भी इतनी रात को? अभी हमारा हार्ट अटैच हो जाता तो? अटैच नहीं होता है चुनरी, हार्ट अटैक आना कहते हैं उसे। आप तो समझ गए ना, बस उतना काफी। जब देखो हमारी अंग्रेजी की पूछी पकड़े रहते हो। अच्छा ठीक है ना, सॉरी, गुस्सा तो मत हो। अच्छा स्माइल करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। एक मिनट, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। मारे वास्ते? हाँ, वो होली का त्योहार है, परिवार के लिए गिफ्ट लेके आ रहा था। तुम भी परिवार हो, तुम्हारे लिए भी ले आया। खोलोगी या देखती रहोगी? हाँ। ये गिफ्ट आप खुद लेकर आए? कभी सोचा ना था कि मेरे को इतनी इज्जत मिलेगी। क्यों? क्योंकि तुम एक दहेज दासी हो। हाँ, मालिक और नौकर का रिश्ता तो यही हो गया ना। और इस रिश्ते के दोनों ही तरफ ना चुन रही इंसान होते हैं। वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हें भोलू कैसा लगा? भोलू? हाँ भोलू। बहुत प्यारा। ठीक है फिर, तुम मिस्टर भोलू के साथ बातचीत करो, थोड़ी दोस्ती बढ़ाओ, और ऐसे स्माइल करते रहा करो। मैं चलता हूँ। गगन है और मैं चंद्रमा, तू काया में तेरी आत्मा लागे, मोती जो सीप में थारो हाथ लगे, मारे हाथ में है।
कभी कभी लागे कि माताजी महाराज चुरा चुरा कर ही सही, पर मारे हिस्से की खुशियां मारे तक पहुंचा ही देवे। अब बस मारे कुंवर सा इस परिवार की खुशियों पर नजर ना लगनी चाहिए। आज मैं थारा चेहरा सबके सामने ले आऊं, बहुत हो गया थारा लुका छुपी का खेल। मैं जानती थी कि तुम वेदिका जीजा पर वार जरूर करोगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल जाल बिछाया था। तुम्हारी बात ध्यान से सुनिए वेदिका जीजा, आज आप इस कमरे में बिल्कुल ना आएंगे, बल्कि सबसे छिपकर मेहमानों वाला गेस्ट रूम है उसमें जाके आराम कीजिए। किसी को घर में पता नहीं लगना चाहिए कि आप उस रूम में, सबको यही लगना चाहिए कि आप इसी रूम में सोइए। ठीक है। जाल से जोड़कर मैंने एक रस्सी अपने कमरे में भी लगा दी थी, ताकि जैसे ही जाल गिरे और घंटी बज जाए, मैंने इशारा मिल गया किस परिवार का दुश्मन फंस गया है जाल में। अब तुम्हारा चेहरा मैं इस परिवार के सामने ले आऊंगी। उस दिन तो लैपटॉप से वीडियो गायब कर दी ना, अब क्या करोगे? बहुत कर दिया तुमने इस परिवार को, इस परिवार ने तेरी वजह से अपना बेटा खोया, एक बीनी ने अपना सुहाग खोया। पर अब बस, अब तुम्हारा सच में सबके सामने ले आऊंगी। दुश्मन अंधेरे का फायदा उठा के भाग न जाए। जिसका डर था वही हुआ, दुश्मन भाग निकला, ऐसे कटे गायब हो गया। हे माता जी महाराज, हमारे परिवार को इस संकट से बचाने के लिए मैंने बड़ी मेहनत की है, अगर वो भाग कर निकल गया तो वेदिका जीजा और उसके बच्चे पर खतरा बढ़ जाएगा।
जिस दुश्मन को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए माता जी महाराज, कोई तो संकेत दीजिए। अलमारी के पीछे दरवाजा, ये कौन सा कमरा है? तब दुश्मन इसी कमरे में गया होगा। वो दुश्मन जरूर इसी कमरे में आया था। आपको ये चोट कैसे लगी? अरे तू चिंता ना कर जय, मामूली सी चोट है, चलने में लग गई, चिंता ना कर। संभाल के चला करो ना आप। अच्छा, ये गिफ्ट होली का आपके लिए। हमारे लिए? हाँ। देखो तो जरा क्या लाया है हमारा बेटा हमारे लिए। दुश्मन आया तो इसी कमरे में था, गया कट। ये क्या है? ये किसकी तस्वीर है? बाबा साहब और आपकी फोटो। मुझे लगा कि इससे अच्छा गिफ्ट नहीं हो सकता आपके लिए। जो भी हो, मैं दुश्मन का इस तस्वीर से, उस कमरे से कोई तो रिश्ता है। ये फोटो छोटे कोर्सा को दिखाऊंगी, उनसे पूछती हूँ। बहुत ही प्यारा तोहफा है, ऐसा लग रहा है जैसे बरसों बाद
तुम्हारे बाबा हमारे आंखों के सामने खड़े। तोहफे के लिए धन्यवाद। चल खाने का टाइम हो गया, वैसे भी थारे पसंद के पकवान बनवाए। गट्टे की सब्जी बनी है। अरे मासा, आपकी एक फाइल कहाँ गई? ये फाइल किसकी है? मतलब दुश्मन कोई औरत है? क्या हो गया जय? पायल गिर गई होगी कहीं पर, हाथ में ढूंढ लूंगी। तो चल गट्टे की सब्जी खानी है कि नहीं? हाँ जरूर खानी है, तुम भी चलो। लगता है उस दहेज दासी से भागते हुए कहीं गिर गई है पायल। ये दहेज दासी हमारे रास्ते में कांटा बन गई है। आज वो दहेज दासी हमारे सच तक पहुंचते पहुंचते रहेगी, नहीं तो आज ये सवाल सबकी जुबा पर होता कि क्यों ली एक माँ ने अपने बेटे की जान, क्यों मारा यश को। छोटी गुर्जा, छोटी गुर्जा, छोटी गुर्जा, ए छोरी के तमाशा है ये? घर को सर पे क्यों उठा के रखा है? हुकुम सा, मैंने पता चल गया है कि वेदी का जीजा पे हमला किसने किया था। और वो रंगों में बम किसने रखा था? क्या? कौन है वो? नाम बताओ। नाम तो ना पता उसका कोर्सा, पर उसके कमरे से ये फोटो और ये फाइल मिली है। पायल आशा, ये पायल तो आपकी है। इसका मतलब है कि दहेज दासी ये कहना चाहती है कि जीसा ने अपने घर में बम रखा और अपनी बींदनी को सीढ़ियों से लुढ़का दिया। चुप हो जाओ मंदिरा, कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो। मुझे नहीं पता कि जयपाल दहेज दासी के पास कैसे आए। और ये फोटो? ये तो बाबा सा है, पर इनके साथ ये औरत। और ये बच्चा, ये कौन है? ये आपके बाबा सा है, पर आपकी मासा तो हुकुम सा है ना? ये दूसरी औरत। देखने से तो परिवार जैसा ही लागे है, पति पत्नी और बच्चा, है ना जीसा? इस फोटो के बारे में जानना जरूरी ना है जय, जो बहुत पुरानी बात है। क्या पता कि इन पुरानी बातों में नए राज का पता चल जावे।
आज मैं उसका पीछा करते करते अलमारी के पीछे एक गुप्त कमरे तक पहुंच गई थी। वो पूरा जला हुआ था, लग रहा था जैसे कि कुछ सालों पहले आग लगी। वही ये पायल और फोटो मिली है मैंने। आशा, मासा बात को समझिए, अगर वो दुश्मन पकड़ा नहीं जाएगा तो इस परिवार में कोई भी सेफ नहीं है। ये औरत कौन है और आपकी पायल वहां उस कमरे तक कैसे पहुंची? जय, इस तस्वीर में भाईसा के साथ जो औरत है वो उनकी पहली पत्नी है। यश की सगी मासा। यश कुर्सा की सगी मासा, मतलब यश कुर्सा हुकुमसा के सौतेले बेटे थे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नजारा।